जय हिंद। जिस एलआईसी के आईपीओ का इंतजार भारत समेत पूरी दुनिया भर के लोग कर रहे थे, अब उस एलआईसी के आईपीओ पर रूस और यूक्रेन के संकट का साया मंडरा रहा है। जी पूरी दुनिया के लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने एलआईसी के आईपीओ में विदेशी निवेशकों को अर्जी लगाने के लिए बड़े नियमों में फिर बदलाव किए हैं। वैसे अब तक विदेशी निवेशकों को भारत के जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां उनमें निवेश करने की छूट थी, लेकिन चूंकि एलआईसी एक अलग तरह की कंपनी है, एक अलग तरह की इंश्योरेंस कंपनी है, इसका निर्माण संसद में एक्ट के तहत किया गया था, इसलिए विदेशी निवेशक इसमें डायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने उसमें संशोधन करके एफडीआई को 20% तक निवेश करने की छूट दे दी है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस एलआईसी के आईपीओ पर टिकी थी। अब वित्त मंत्री की तरफ से बयान आया है। वित्त मंत्री कहना है कि रूस और यूक्रेन का संकट गहराता जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया के बाजार ठंडा पड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में एलआईसी का आईपीओ लेकर आना रिस्की हो सकता है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ काफी बड़ा आईपीओ है। इतिहास में अब तक इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया। सरकार इस आईपीओ के जरिए 65,000 करोड़ से लेकर 85,000 करोड़ रुपया जुटाना चाहती है, और जहां एक तरफ बाजार नीचे जा रहा है, इस समय में इस आईपीओ अगर आता है तो हो सकता है आईपीओ पूरा नहीं भरे, सरकार को नुकसान हो सकता है और नुकसान हमें भी रिटेल निवेशक को भी हो सकता है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। कहां एक तरफ हम यह आस लगा कर बैठे थे कि निफ्टी 20,000 के लेवल को टच करेगा, लेकिन अब यह डर है कि निफ्टी कहीं डाउन होकर 15,000 या 12,000 तक ना आ जाए। इसलिए हमें भी इंतजार करना चाहिए इस आईपीओ को आने का, अच्छे समय में आने का। और एक बात तो तय है कि आईपीओ इसी साल आएगा। हो सकता है भले यह आईपीओ 2021-22 वित्तीय वर्ष में नहीं आए, लेकिन 2022-23 वित्तीय वर्ष में जरूर आएगा और आकर रहेगा। इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेशक इंतजार कीजिए, क्योंकि यह कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, जब भी आएगा अच्छा रिटर्न देगा। आप बस पैसे की व्यवस्था करिए और एलआईसी के आईपीओ के आने का इंतजार कीजिए, और यह दुआ कीजिए कि रूस और यूक्रेन का संकट जितनी जल्दी ठंडा हो जाए और जितना जल्दी बंद हो जाए, उतने यह पूरे दुनिया और देश के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जानकारी नई लगी होगी। अगर मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।